ESOG 176 अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसका चैप्टर नंबर 7 या कह सकते हो भाई यूनिट नंबर 7 है, पशुपालन एवं बागवानी। हमें इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना भाई? पशुपालन पढ़ना है और बागवानी। पशुपालन का मतलब आप सबको पता होगा कि जो पशु पाले जाते हैं, बागवानी का मतलब होता है कि जो भाई पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो फल फूल लगाए जा रहे हैं, इनको बोलते हैं बागवानी। तो यही दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, 7.3 पशु चरण के प्रकार, यानी जो पशुपालन आता है, जो पशुओं को पाला जाता है वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, या पशु चरणों के प्रकार, ठीक है। 7.4 रही रहेगा पशु पार्कों को समस्या, यानी जो पशुओं को चराते हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं हैं, यानी भाई उनको किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार की इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। 7.3, 7.4, ठीक है। उसके बाद हमें जो देखना है, बागवानी में काम करने वाले, बागवानी कृषि के विभाग क्या हैं भाई, जो बागवानी की जाती है, वो जो खेती होती है, उसके कौन कौन से विभाग हैं, ठीक है, इस बात को देखिएगा क्या है, बागवानी कृषि के विभाग। उसके बाद 7.8 रहेगा, ठीक है, प्रौद्योगिकी आधारित कृषि बागवानी, यानी आज जो बागवानी हो रही है, ठीक है, चाहे फल फूल लगाए जा रहे हैं, जिनका भी उत्पादन किया जा रहा है, बाग बगीचे जो लगाए जा रहे हैं, जिनमें उत्पादन हो रहा है, कह सकते हैं उनमें प्रौद्योगिकी यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको किस प्रकार से यूज करके उसका जो यूज हो रहा है उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को देखेंगे जो इसमें क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूँ, 7.2 देख लीजिएगा, भारत में पशु चारण वितरण कैसे है, यानी भारत में जो पशु को चराया जाता है उनका विवरण कैसे, यानी वितरण अलग अलग इलाकों में कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, भारत में पशुपालकों के अनेक समूह हैं भाई, जो हमारे देश की अगर बात करें, जो पशुपालक हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको चराते हैं, तो अनेक समूह हैं जो अनेक प्रकार के पशुओं को पाला करते हैं, यानी अनेक प्रकार के जो हैं उनके पशुओं को पाला करते हैं। इसमें कुरबा, धंगार कर्नाटक में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में कुरुमा गोला आदि, राजस्थान में गुज्जर हैं, गुजरात में भारवाड़ है, हिमाचल में गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, तथा गद्दी आदि पश्चिमी भारत में शुष्क भूमि में, उत्तरी भारत के हिमालय में पहाड़ियां पशुपालक की जानी जाती हैं। यानी अगर हम बात करें जो पशुपालन है, ठीक है, जिसे हम बात करें कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल में, या कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में, अगर सॉरी पश्चिमी भारत में जो पशुपालन है, जो पशुओं को पालते हैं उनकी अलग अलग प्रकार से जातियां निवास करते हैं और पशुओं को पालते हैं अलग अलग हिस्से में, इन हिस्सों में घुमंतू चरवाहे रहते हैं, यानी कह सकते हैं जैसे भाई कर्नाटक में पशुपालक हैं जो पशुओं को पालते हैं, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, ठीक है, या कह सकते हैं कि आपका हिमाचल है, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है, घुमंतू चरवाहे रहते हैं। घुमंतू चरवाहा का मतलब होता है कि जिनका कोई फिक्स स्थान नहीं है भैया, ठीक, क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये क्या करते हैं, घूमते हैं, वे अनेक प्रकार के पशुओं को पाला करते हैं। यानी जो घुमंतू चरवाहे होते थे वो क्या करते थे, अनेक प्रकार के पशुओं को पाला करते थे, जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, यानी इस सभी प्रकार के जो पशु होते थे इनको पालने का उनका काम होता था, ये पशुपालक चरवाहे होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये थोड़े बारे में पशुपालक जो चरवाहे उनका वितरण कैसे है और कहाँ कहाँ पर पशुपालक जो चरवाहे हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपका बेसिक आपको जानना इस 1.2 का, सॉरी 7.2 जो है इसका जानना थोड़ा बेसिक ज़रूरी था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा क्या रहेगा इसमें, ठीक है, इसमें आइए 7.3 में आ जाइएगा, ठीक है, 7.3 में देखिएगा क्या है, पशु चारण के प्रकार, यानी जो पशु चारण के प्रकार, यानी जो पशुओं को पालते हैं ये कितने टाइप के हैं भाई, पशुओं को पालने वाले या पशु चारण जो हैं इनके प्रकार कैसे हैं। तो पहला जो प्रकार क्या है, घुमंतु पशु चारण, भाई जो पशुओं को पालते हैं, जो पशुओं को चराए हैं, जो घुमंतु हैं, आपको पता घुमंतु का मतलब क्या होता है, कि जो घूमते रहते हैं, ठीक है, एक स्थान उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो आते जाते रहते हैं। घुमंतु पशुचारक
प्रवासी समुदाय के लोग होते हैं, यानी घुमंतु जो पशुचारक होते हैं वो कह सकते हैं प्रवासी हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं, उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी ये भाई आज यहाँ है कल वहाँ है, इस प्रकार से क्या करते हैं पशुओं को चराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पशु चराने के लिए उपयुक्त अवसर पाकर के कुछ दिन के लिए वहीं निवास करते हैं। मान लो कि अगर भाई पशु चरा रहे हैं, अगर उनको कहीं ठिकाना सही से मिल गया, उनको लगा कि भाई यहाँ पर घास बहुत अच्छी है या घास या हम लंबे समय तक थोड़े दिन तक पशुओं को चरा सकते हैं, तो वहीं निवास करने लग जाते हैं। जब वहाँ पर घास खत्म हो जाती है या चरागाह खत्म हो जाते या सूख जाते हैं तो आगे चले जाते हैं। ये चरवाहे घूम घूम कर पशु चराते हैं क्योंकि इस प्रकार के पशुओं को पालने से उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कह रहे हैं कि ये जो चरवाहे होते हैं घूम घूम कर पशुओं को चराते हैं और ये जो पशु होते हैं इनके जरिए ही आप कह सकते हैं उनकी जो आर्थिक चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं वह पूरा करते हैं। यद्यपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा पशुओं के झुंडों में अनियमितता हो सकती है परंतु ये पूर्व निर्धारित रास्तों से गुजर करें कि जो ये पशुओं को घूम घूम कर चराते हैं, ठीक है, पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, समस्या तो हो सकती है भाई, लेकिन क्या करते हैं कि जो निर्धारित रास्ते हैं आने जाने के लिए जो निर्धारित रास्ते हैं उसी निर्धारित रास्ते से आते जाते हैं। अस्थायी रूप से निवास करने के लिए उनके प्रवास स्थली प्राय जानी पहचानी, यानी वो जहाँ पर निवास करते हैं जहाँ पर रहते हैं वो उनकी जानी पहचानी जगह होती है, जहाँ पर वो पहले रहे हैं या जिन जिन जगहों के बारे में उनको पहले से पहचान रहती है वह उन्हीं जगहों पर रहते हैं, ठीक है। पूर्व निर्धारित स्थलों पर पशुओं को चराना, यानी जो पहले से निर्धारित स्थल डिसाइड कर रखा भैया कि मेरे को पशु यहीं चराना है, पशुओं को चराते अस्थायी रूप से ठहरने के लिए पूर्व निर्धारित स्थल को ही चुना उनके अतीत के अनुभवों के अनुसार होता है, जिसमें गोचर भूमि की उपलब्धता तथा बाजारों में उपलब्धि बरसात तथा सीमाएं आदि की आवश्यकता होती है। करें कि जहां पर रहते हैं जहां पर पशुओं को चराते हैं और जहां पर अपना स्थान बना लेते हैं थोड़े दिन रहते हैं उसको देखते कि यहां पर गोचर भूमि है कि नहीं, गोचर का मतलब होता है कि पशुओं को चराने की योग्य वहां पर भूमि है कि नहीं, वहां की बाजार कैसे है बरसात में कैसे वहां पर रहेगा, इन सभी चीज़ों को देख करके वो क्या करते हैं थोड़े समय के लिए कहीं पर रहते हैं। मौसम में अचानक परिवर्तन आने से, या मान लो कभी भी मौसम कभी बदलता अचानक परिवर्तन आने से, जैसे अचानक भारी बरसात का होना इन चरवाहों के पशुओं को चराने के स्थलों को पशुओं को चराने के स्थल को बदलने पर विवश कर देते हैं। मान जो कह रहे हैं कि भैया कि जैसे किसी स्थान पर रहें पशुओं को चराए भाई एक स्थान पे हैं, मान लो वहाँ पर बहुत बारिश हो गई, जमकर जब बारिश हो जाती है तो इनको स्थान बदलना पड़ेगा। अब भाई जब बारिश हो जाएगी तो पानी भर जाएगा और जब पानी भर जाएगा तो पशु को कहाँ चराएंगे भाई, जो जानवर हैं उनका खाना कहाँ पर करें कि अगर किसी स्थान पर रहते हैं अगर वहाँ पर बहुत भाई पानी बरस जाता है बारिश हो जाएगी तो क्या करते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल लेते हैं, भाई बदलना ही पड़ेगा। अब मान लो इतना पानी बरस गया बेचारा पशु खाएगा क्या, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है वो स्थान बदलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के गुज्जर गढ़वाल और उत्तरांचल के गुज्जर और लद्दाख में अपने परिवारों को भी अपने साथ रखते हैं और उनके परिवार भी उन्हीं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। करें जैसे हम बातें हिमाचल के जो हैं गुज्जर हैं गढ़वाल हैं उत्तराखंड के गुज्जर जो हैं या लद्दाख के जो लोग हैं जो पशुओं को चराने के लिए निकलते हैं वो अपने परिवारों को भी साथ लेकर के चलते हैं, यानी विथ फैमिली के साथ चलते हैं, यानी जो पशु घुमंतु चरवाहे हैं यह जैसे जैसे हिमाचल के हैं भाई, ठीक है, या उत्तराखंड के हैं, ठीक है, या हिमाचल के हैं, ये लोग क्या करते हैं ये जो पशु चारक हैं जो पशुओं को घूम घूम कर चरा रहे हैं ये अपने फैमिली परिवार वालों को भी अपने क्या करते हैं साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि वे खेती का काम नहीं करते हैं अतः अपनी आवश्यकता के लिए उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं उन्हें लोगों से खरीदनी पड़ती है। जो खेती का काम करते हैं वो अन्य व्यवसायों से संबंधित होते हैं, चरवाहे इनमें प्राय वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। कहते हैं ये लोग खेती नहीं करते, जो घुमंतु चरवाहे हैं ये खेती नहीं करते, इनको जो जरूरत पड़ती है उसको खरीदते बेचते रहते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान ये करते रहते हैं, मूलतः ये अपने पशुओं को चरा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इनको भाई किसी चीज़ को खरीदने की पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे वह खरीदते रहते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान ये करते रहते हैं। कुछ चरवाहे ऐसे होते हैं जो पशुओं के साथ साथ खेती का भी काम करते हैं, यानी कह रहे हैं कि जो चरवाहे हैं चरवाहों में भाई कुछ ऐसे चरवाहे होते हैं जो पशुओं को भी चराते हैं खेती भी का भी काम करते हैं।
इनमें उत्तरी पश्चिमी हिमालय में रहने वाले भेटिया और गद्दी होते हैं और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भेटिया होते हैं। ये लोग कुछ समय के लिए अपने पशुओं को लेकर के चारागाहों में चराने के निकलते हैं। जब उन्हें खेती का काम करना होता है तो अपने पशुओं को साथ लेकर के नीचे उतर आते हैं। कह रहे कि जो पशु घुमंतु जो चरवाहे हैं उनमें एक ऐसा भी यह चरवाहा होता है कि क्या करता है, पशुओं को लेकर के चलता है, पशुओं को भी चरा रहा है, साथ में साथ उसको अगर कहीं पर चीज मिली तो खेती भी करने लग जाता है। यानी वो खेती भी कर रहे हैं, पशुओं को भी चराता है जो घुमंतु चरवाहे हैं। पशुपालन और कृषि दोनों कामों को ऋतुओं के अनुसार साथ साथ किया जाता है। यानी कि जो पशुपालन है और खेती है उसको क्या करते हैं, जैसे मौसम रहता है उसी के अनुसार करते हैं। घुमंतु चरवाहों के साथ साथ शिकार करने का भी काम करते हैं। यानी जो घुमंतु चरवाहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं को चराते हैं, क्या करते हैं कि ये शिकार करते हैं। भाई जैसे जंगल में जानवर का शिकार कर लिया खाने पीने के लिए, टोकरियां बनाते, कुछ व्यवसाय भी कर लेते हैं, अन्य कामों में भी यह हाथ डाले रहते हैं। लोग पशुपालन का काम नहीं करते हैं, उनके साथ संबंधित स्थापित करते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनके साथ काम नहीं करते हैं फिर भी इनके साथ जुड़े रहते हैं या उनके साथ संबंध इनका बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट रहेगा आप देखिएगा क्या है, मौसमी पशुचारण। यानी ऐसे पशु चरवाहे जो हैं मौसमी होते हैं, यानी सिर्फ किसी न किसी मौसम में अपने पशुओं को चराने के निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा घूमते रहेंगे सालों के साल, सालों के साल वो लोग घूमते नहीं हैं, बल्कि मौसम मौसम में, यानी वो ये देखते हैं कि भाई मौसम सही है उसी मौसम में वो निकलते हैं। देखोगे दुनिया के अनेक देशों में अगर देखें, जैसे अफ्रीका है, एशिया है तथा दक्षिणी अमेरिका है के विभिन्न देशों में इस प्रकार के पशुपालन किया जाता है। यानी हम बात करें जैसे एशिया अफ्रीका है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर जो पशुपालक हैं जो चरवाहे हैं वह मौसम में निकलते हैं। ये चरवाहे अपने पशुओं को ऋतुओं के आधार पर चराने निकलते हैं। यानी भाई मौसम देख करके ऋतुओं को देख करके क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराने के निकलते हैं। पशुओं को चराने के लिए ये पुरुषों को नौकरी पर रखते हैं जो अकेले अथवा अपने परिवार के साथ पशु चराने के लिए निकला जाते हैं। करें कि ये जो चरवाहे होते हैं पुरुषों को नौकरी पर रखते हैं और जो अपने परिवार के साथ पशु चराने के निकलते हैं। कभी कभी उनके साथ पशुओं के स्वामी भी होते हैं। यानी जो चरवाहे होते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने नौकरों को बोल देते हैं जाओ मेरा पशु चराओ, और कभी कभी जो पशुओं का स्वामी यानी जो मालिक होगा वो भी आते हैं। कभी कभी ये लंबी यात्रा पर निकलते हैं, कभी कभी ये कुछ दिनों के निकल, यानी कहें जो मौसमी चरवाहे होते हैं, जो मौसमी पशुचारण है, मौसमी चरवाहे हैं, वो कभी कभी तो क्या होता बहुत लंबी लंबी दूरी करेंगे, कहीं छोटी छोटी दूरियों के लिए भी निकलते हैं। इस प्रकार के पशुपालक बहुत ऊंचाइयों पर नहीं जाते, यानी इस प्रकार के जो मौसमी पशु पालक हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर नहीं जाते हैं, वो ऊंचाइयों पर कम ही जाते हैं, कभी कभी वो कुछ दिनों के लिए निकलते हैं। ठीक है, जब वो अपने पशुओं के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी कह रहे हैं जब वो अपने पशुओं के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके रास्ते पहले से थे। नहीं कह रहे हैं कि जो मौसमी पशुपालक होते हैं जब वो रास्ते पर आगे चल रहे होते हैं बढ़ रहे होते हैं, उनके लिए रास्ते उनके फिक्स हैं, डिसाइड हैं। अभी अनजान रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, अनजान रास्ते पर गए तो लूट लिया, पशु को लूट लिया, कुछ भी कर लिया, इसलिए उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिन रास्तों को ये जानते हैं। जब वो अपने पशुओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो पहले से रास्ता तय होता, क्लियर होता भाई इसी रास्ते से जाना है। गर्मियों में ऊंचाइयों पर जाते हैं, यानी जो मौसमी पशुपालक हैं गर्मी में ऊंचाई पर जाते हैं और सर्दियों में क्या करते हैं जमीन पर उतर, यानी गर्मी में क्या होता है कि ऊंचाई पर जाते हैं वहां पर पशु चराते हैं और सर्दी के मौसम में नीचे यानी मैदानी भागों में आकर कह सकते हो कि पशुओं को चराते हैं। ठीक है, मौसमी चरवाहे गर्मी के मौसम में विभिन्न स्थलों पर खेती करते हैं। यानी जो मौसमी चरवाहे होते हैं जब गर्मी का मौसम होता है तो यह खेती करते हैं, यद्यपि उनका खेतों में फसल उगाने का कार्य बहुत सीमित होता है। यानी जो मौसमी चरवाहे हैं वह खेती करते तो हैं लेकिन बहुत सीमित करते हैं, बहुत शॉर्ट में करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। मुख्य काम पशुचारण ही होता है, यानी खेती करते तो हैं लेकिन वो बहुत मुख्य नहीं है, कभी कभी उसको करते हैं या मुख्य रूप से उसको नहीं करते, उनका वो क्या है मुख्य काम नहीं होता है कि भाई वो मुख्य काम यही कि वो पशुओं को चराने, उन्होंने अपने काम बना रखे हैं। ठीक है, वे जानवरों के बदले जरूरत की चीज़ों को अनाज और दालें प्राप्त, जैसे मान लो जानवरों को बदलते हैं, यानी मान लो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो मौसमी चरवाहा है जो या चरवाहे जो होते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मान लो अपनी बकरी दे दी, भेड़ दे दी, अपनी गाय दे दी, भैंस दे दी, उसके बदले वो जरूरत का सामान ले लेते हैं। ठीक है,
इस दौरान ऊंचाई पशुओं के चारण होते हुए ढलान की ओर जाते हैं। गर्मियों में ऊंचाई पर पशु चराते हैं तथा सर्दियों में नीचे के हिस्से पर पशु, यानी कि जो मौसमी चरवाते हैं जब गर्मी होती है तो ऊपरी स्थानों पर जाकर के या पहाड़ों पर जाकर के पशुओं को चराते हैं, और गर्मियों में सर्दियों के मौसम में नीचे आ जाते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर चरवाहे पशुओं को के साथ अपने अपने चारागाह ले जाते हैं, यानी अगर कोई हिमालय की पहाड़ी पर पशु चराने जाता है तो अपना चारागाह भी ले जाता है। ऊंचाई पर मौसमी पशुचारण हिमालय की पहाड़ियों के निचले हिस्से और घाटियों में होता है। नीत घाटी, नंदा देवी, पश्चिम घाट, मध्यवर्ती क्षेत्र पशुचारण है। क्षैतिज पश्चिमी मौसमी ग्रीष्मकालीन पशुचारण है, यानी गर्मी और ठंडी के जो पशुओं को चराने के स्थान हैं वह अलग अलग हैं। सर्दियों में या शीत ऋतु के लिए निर्धारित चरवाहों में निवास स्थानों के निकट हैं। विपरीत जलवायु तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की स्थिति में पशुचारण की प्रक्रिया बाधित करे कि अगर जलवायु परिवर्तन, अगर भाई मौसम बदलता है या सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आता है या आर्थिक स्थिति किसी प्रकार की बदलती है तो ये जो पशुचारक हो या जो पशुपालक होते हैं जो अपने पशुओं को चराते रहते हैं, इनकी कह सकते हैं इनकी जो प्रक्रिया होती है, इनकी जो दिनचर्या होती है उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा भी पड़ती रहती है। अगला जो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसमें जो नेक्स्ट इसमें देखिएगा क्या है, मौसमी पशुचारण ऊंचाइयों पर स्थिर चारागाहों में लाभकारी होता है। करें कि जो मौसमी पशुचारण होता है कि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाते हैं तो इनके लिए फायदेमंद है, लाभकारी। भैया चरवाहे खेती का काम करते हो या नहीं, जब वह एक चरवाह से दूसरे चरवाहे में अपने पशुओं के साथ जाते हैं तब वह दोनों तरह के मौसमी के लिए उपयुक्त इंतजाम रखते हैं। हर चरवाहों और पशुओं के झुंडों में निकट ही निवास करने की योजना करेंगे। जो घुमंतु चरवाहे होते हैं जब ये कहीं पर रुकते हैं बसते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, निकट ही बसते हैं, और बल्कि ये झुंडों में रहते हैं, ठीक, अकेले अकेले नहीं घूमते हैं बल्कि अपने ग्रुप में योजना बना करके निवास करते हैं। भाई ठीक है भाई, यहीं पर रुकना है, यहीं पर पशुओं को चराना है, लोग क्या करते हैं योजना बनाते हैं। वे अपने पशुओं को वह अपने झुंडों में पशुओं की संख्या बढ़ाते रहते हैं, इससे उन्हें आर्थिक लाभ करें कि जो उनका झुंड होता है वह हमेशा पशुओं की संख्या बढ़ाते रहते हैं ताकि उनको पैसे वैसे जो चीज़ें हैं उनका लाभ होता रहे। जैसे भाई किसी का पशु खरीद लिया, किसी का पशु निकाल रहा तो ले लिया, इस प्रकार के अपने पशुओं की जो संख्या है उसको इनक्रीज करते रहते हैं, पशुओं की संख्या इनकी बढ़ती रहती है। अब हम देखेंगे क्या पशुचारकों की प्रमुख समस्याएं हैं, जो भाई जो पशुओं को चरा रहे हैं उनको किस प्रकार की किस प्रकार की जो समस्या है या प्रॉब्लम है उनको झेलनी पड़ती है या उनके सामने उस प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, यानी पशुचारकों की प्रमुख समस्याएं भी, भाई जो भी पशुचारक हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं थी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी पशुचारकों की जो समस्या लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे भूमिका, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने लिखा क्या लिखा भूमिका, तो भूमिका में ए वाला पार्ट लिखा जाएगा, ठीक है, ये इतना लिखोगे लास्ट में यहाँ तक लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा भूमिका में निकल जाएगा जो ऊपर का बताया। उसके बाद लिखोगे पशुचारकों की जो समस्या है, जैसे हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है, भाई हिमालय क्षेत्र में जब अपने पशुओं को चराने जाते हैं तो उनको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखो हिमालय क्षेत्र में पशु पालकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है, यानी कि जो पशुपालक हैं जब यह हिमालय क्षेत्र में पशुओं को चराने जाते हैं तो इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। भाई अनेक क्षेत्रों में भी आरक्षण का लाभ उठाते हैं। परंपरागत जीवन शैली से जुड़ी भी अनेक समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या सरकार के पशुपालकों से संबंधित नीतियों से जुड़ी हैं। बढ़ती जनसंख्या का दबाव और चारागाह क्षेत्र कम होते जाना एक गंभीर करीब, जो पशुपालक हैं जब हिमालय क्षेत्र में पशु चराते हैं तो इनको सरकारी नौकरी में भैया लाभ मिलता है, लेकिन आज के समय में जो पशुचारकों के जो पशुपालक हैं जो पशु चराते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज के समय में जो पशु चराने वाली जो जगहें हैं जो स्थान हैं वह घटते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या भाई इतनी बढ़ रही है कि लोग घर बनाते चले जा रहे हैं और पशुओं की चराने की जो जगह है वो कम होती चली जा रही है, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी क्या है, देखिएगा पशुपालन संबंधित सरकारी प्रतिक्रियाएं क्या, देखिएगा अस्थायी रूप से निवास करने वालों की तुलना में पशुपालकों की जीवन पद्धति को पिछड़ा हुआ या असभ्य मन, क्योंकि जो लोग अस्थाई रूप से रहते हैं जैसे हम लोग क्या परमानेंट रहते हैं भाई अपने घर बना करके, लेकिन जो पशुपालक होते हैं अस्थाई रूप से रहते नहीं तो इनको असभ्य माना जाता है, ठीक है, इनको पिछड़ा हुआ लोग मानते हैं। अरे भाई सिंपल सा मान लो जो ये आज यहाँ घर बनाता परसों वहाँ बनाता और पशु चराता रहता, हम उनको सभ्य थोड़ी मानते हैं, ठीक है, पिछड़ा हुआ माना जाता है। यह अंतर ऐतिहासिक
कालों में तैयार किए गए हैं, दस्तावेजों में दर्ज है, क्योंकि पशु पालक ना जनसंख्या नियंत्रण की नीति को मानते हैं ना करने देते हैं। यानी जो पशुपालक होते हैं जनसंख्या नियंत्रण, इनके बीबी बच्चे जो बच्चे होते हैं बहुत बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक सरकार के जो चीज़ें होती हैं उसको मानते नहीं हैं। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता के कारण पशु पालक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित करें कि जो पशुपालक होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती, इसलिए बहुत सारी जो सरकार की योजनाएँ हैं उससे वंचित रह जाते हैं, उनके बारे में तो उनको पता भी नहीं चलता है कि भैया क्या हो रहा है। हिमालय क्षेत्र के पशुपालक पर्यावरण के लिए खतरा माने जाते हैं, कह रहे कि जो हिमालय में जो पशुओं को चरा रहे हैं जो पशुपालक हैं उनको क्या माना जाता है, प्रकृति के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि वह पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं और पशु उन वनस्पतियों को चर जाते हैं जिनसे जिनका संरक्षण जरूरी है। कह रहे कि जो हिमालय में जाकर के भैया पशुओं को चराते हैं ऐसी वनस्पतियों को उनका पशु चर जा रहा है जो पर्यावरण के लिए जरूरी है, इसलिए पशुपालकों का हिमालय पर जो पशु चराए उनको हानिकारक माना जाता है, उनको सही नहीं माना जा रहा। इन कारणों से कुछ क्षेत्रों में पशु चारकों को हटाया भी जा रहा है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर पशुओं को चराने वालों को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि उनके पशु ऐसे भी चीज़ों को चर जा रहे थे जो चीज़ें पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक थी, जरूरी थी, इसलिए उनको कई सारे स्थानों से हटाया भी दिया गया है, इसलिए एक समस्या ये भी है। अगला उनके साथ क्या समस्या है भाई, भूमि के अस्तित्व के अधिकार से वंचित, यानी जो भूमि का अस्तित्व स्वामित्व है यानी भूमि पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, इसलिए उनको कई बार अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उनको चराने वराने से भी मना कर दिया जाता है। देखो पशुचारक चारागाहों को अपने अपनी संपत्ति मानते हैं, यानी जो पशुचारक होते हैं जो पशु चराते हैं जो चारागाह है मानते हैं कि हमारा चारागाह है, क्योंकि परंपरागत रूप से वह सदा से इन्हीं चारागाहों में अपने मवेशियों को चराते आए हैं, कि जो पशुचारक होते हैं परंपरागत रूप से नहीं बहुत समय काल से क्या हो रहा माना जाता भाई कि जो पशुचारक होते हैं चारागाह में अपने मवेशियों यानी इन जानवरों को चराते हैं, इसलिए उनका मानते हैं कि हमारा ही है। चारागाहों के वितरण के बारे में उनकी परंपराएं, यानी जो चारागाह है कौन कहाँ कहाँ पर पशु चराना है वो अपने अनुसार चलते हैं, उनकी मान्यताएं चारागाहों की व्यवस्था करते तथा संसाधन बंटवारे वितरण में मदद करते हैं, इसलिए वह चारागाहों पर अपना पारंपरिक अधिकार मानते हैं, यानी जो पशु चारक हैं उनको मानते हैं कि जो चारागाह है जो गोचर की भूमि है वो उनकी है, उनका पारंपरिक अधिकार है, परंतु वे इस विरासत का कोई लेखा जोखा नहीं है। कह सकते हैं कि जो पशु चरा रहे हैं उनको कहता है कि भैया ये हम जमीन हमारी है जहाँ पर पशु चरा, लेकिन उसके लिए उनका कोई लेखा जोखा नहीं है या कोई इनके पास भाई डॉक्यूमेंट नहीं दस्तावेज नहीं, इसलिए सरकारी कागजों में इनका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए भूमि संसाधनों पर उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं, जमीन पर उनका कोई राइट नहीं, जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं, वो भले कहते हैं कि भाई जमीन हमारी है लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है इसलिए उनकी जमीन नहीं है, इसलिए उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन दिए जाने की योजना कलाभीन पशुचारकों को इसी कारण नहीं मिल पाया है, नहीं करेंगे जो भूमिहीन हैं उनको भाई जमीन मिल रही थी लेकिन इन लोगों के पास जमीन है या नहीं है इसका कोई पता नहीं, या कह सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा, यानी सरकारी योजनाओं से इनको वंचित किया जा रहा है और इनके जो भूमि है उसका भी इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं रहता है और इनको लगता है कि जमीन हमारी है लेकिन इनके पास तो न लिखे पढ़ी के कोई सबूत हैं, इसलिए इनको कई बार जमीन से हटा दिया जाता है, जमीन से वंचित कर दिया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें भी रहती हैं। अगला क्या है, आजीविका का संकट है, यानी इनको भाई आजीविका भाई अपना रोजी रोटी का इनके लिए बहुत बड़ा संकट है जो पशुचारक हैं जो पशुओं को चरा रहे हैं। देखिएगा पशुचारकों को दो तरह से आजीविका का संकट का सामना करना पड़ रहा है, एक चारागाहों का कम होता है, ये सबसे बड़ी समस्या पशुचारकों के साथ है कि जो चारागाह है जहाँ पर पशुओं को चराते हैं वह उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही हो, जगह घट कम हो रही है क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, घर भाई घर बन रहा है, कंपनी बन रही, फैक्ट्री बन रही, लगातार विकास हो रहा है और पशुओं के चराने की जो जगह है वह घट रही, एक इनकी बड़ी समस्या है। चारागाहों पर चारागाहों के वैधानिक अधिकार ना होने से, यानी जो चारागाह है जहाँ पर पशु चराने हैं वहाँ पर इनका कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं है, संरक्षण की नीतियां स्पष्ट न होने के कारण चारागाह दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। कह सकते हैं कि चारागाह है लगातार घट रहे हैं भैया, जनसंख्या का बढ़ता चारागाहों की समस्या में वृद्धि हो जाने से हिमालय की तलहटी में सर्दी के मौसम में होने वाले पशुचारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कह पहले जब लोग हिमालय में पशुओं को चराते थे लेकिन आज हिमालय में जाकर के पशुओं को नहीं चरा पा रहे हैं क्योंकि आज मौसम बदल रहा है या पशु
भूखों को जो चराने की जो जगह है वह धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि आज भाई हर जगह घर बन रहा, कंपनी बन रही, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, गांव भी शहर बन रहे, तो धीरे धीरे हर जगह पेड़ों को काट करके क्या घर बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही, रोड बनाए जा रहे हैं। इसलिए जो पशु चराने वाली जगह है, पशु चारकों की जो जगह है, वह धीरे धीरे उसमें कमी आने का एक कारण है कि इन क्षेत्रों में सड़क का बनाना, जैसे खेती के लिए जमीन तैयार हो रही, जंगल कट रहे हैं, सुरक्षा बलों के लिए जमीन हो रही, इस वजह से क्या हो रही है कि इन चीज़ों को काटा जा रहा है। और इससे कह सकते हैं जो पशुओं को चराने की जगह है वह कम हो रही, इससे इनकी आजीविका रोजी रोटी पर भी कह सकते हो कि एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और रहेगा, क्या है, आसीनता। इसमें देखोगा आसीनता को देखिए, पशुपालकों के सुरक्षित प्रवास के कारण हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अनेक पशु चारक समूह घर बनाकर के किसी एक स्थान पर बस गए। करके जो पशु चारक हैं उनको लगता था कि भाई ऐसे पशु चराते रहेंगे हमारे लिए ठीक नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश में और हिमाचल में बहुत सारे ऐसे पशु चराने लोग हैं जो निजी घर बना करके निजी रहने लग गए हैं। हिमालय क्षेत्र के इन इलाकों में पशुपालकों को पशु चराने के लिए निकलता खतरों से भरा है। इसके अलावा कुछ सरकारी नीतियों भी पशु पालकों के अनुकूल नहीं है, यानी सरकार की भी ऐसी बहुत सारी नीतियां जो भैया योजना है जो पशुओं को चरा रहे हैं इनके लिए सही नहीं है। इन नीतियों के चलते पशुपालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चरवाहों की संस्कृति को भी बहुत खतरा है, जो चरवाहे की संस्कृति को खतरा है, पशुचारण और पशुपालन कई अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पशुपालकों के लिए जमीन का मालिकाना हक दिए जाने को वैधानिक अधिकार न होने के कारण उन्हें पशु चराने के लिए जगह मिलना संभव नहीं है और सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सिकुड़ कह रहे कि आज के समय में जो पशुओं को चराने की जो जगह है वह लगातार कम हो रही है और जो सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। अब हर चीज़ प्राइवेट हो रहा है या निजी क्षेत्र बनते जा रहे हैं, इसलिए पशुओं के चराने की जो जगह है वह लगातार क्या हो रही भैया घटती जा रही है। ये सारी क्या है कि जो पशुओं को चराएं उनकी समस्या का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से जैसे पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं बताया गया है, चारागाहों को घटते जाना, ये मैंने आपको बताया कि लगातार अगर हम देखेंगे जो चारागाह हैं वह लगातार कम हो रहे हैं, वह लगातार भैया घट रहे हैं। जब चारागाह लगातार घट रहे हैं इसलिए कह सकते हो कि पशु चारकों को या पशुओं को जो लोग चरा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही कि भाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, घर बन रहे, फैक्ट्री बन रही, मिल बन रही, सारे काम हो रहे, इस वजह से क्या हो रही लगातार पशु के चराने की जो जगह है वो कम हो रही और इनसे इनकी आजीविका रोजी रोटी। अरे भाई जब जगह नहीं पशुओं को चराने की, पशु को चराएंगे कहां, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घर कैसे चलाएंगे, इसलिए इनकी जिंदगी और कह सकते हो इनकी लाइफ पर बहुत बड़ा एक लग गया है। चिकित्सा संबंधी जानकारी की कमी है। दूसरा, जो पशुपालक हैं ये अनपढ़ हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूकता की कमी है, इनको बीमारी हो जाती, पशु चराते रहते पशु ने काट लिया, कुछ कर लिया, मार दिया, चोट लग गई, इसलिए बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और कई सारी इनको घातक बीमारियां भी पशुओं के साथ रहते हैं। इसलिए चिकित्सा संबंधी इनको कोई जानकारी ना होने के कारण क्या होती है, इनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, पशुओं के बीमार हो जाने पर प्रायः उनकी मृत्यु हो जा रही है, यानी इनके जो पशु हैं वो जल्दी मर भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी ज्यादा दिन चलते नहीं, बीमार हो जाते तो मर जाते हैं। इनको पता ही नहीं कि पशु को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना है, उसकी दवाई कैसे करानी है, खुद भी को भी प्रॉब्लम है, बीमार हो जाते हैं, दवाई नहीं हो पा रही है। और इनके जो पशु हैं, प्राहम पशुओं की बात करें कि जो इन्होंने पुनः पशुओं को पाल रखा है, वो भाई पशु जब बीमार हो जाता है उसकी सही से दवाई नहीं हो पा रही है, इसके लिए उसकी मृत्यु हो जाने के कारण भी इनको बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, इनको सही से दवाई की जानकारी नहीं है, पशुओं के बीमार पशुओं को भी ये लोग खाना खिला दे रहे हैं। ठीक है, जो इनका बीमार पशु है उसको भी ये लोग खाना खिला देते हैं। अब भाई जब आप बीमार पशु को खाना खिला देंगे तो उससे क्या होगा, समस्या पैदा होगी, प्रॉब्लम होगी, तो इन सभी से इनको क्या करने समस्या का सामना करना पड़ता है कि भाई सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और रहेगा, अगर आप देखेंगे पशु और पशु उत्पादकों के व्यापार के लिए अन्य पक्षों का निर्भरता होना, यानी पशु जो पशु उत्पादक हैं इनके व्यापार के लिए अन्य पक्ष पर निर्भर हैं, निर्भरता इनकी बहुत ज़्यादा है। पशुपालन जानवरों के व्यापार सीधे सीधे स्वयं नहीं कर पाते हैं, जो पशुपालक हैं अगर कोई व्यापार है कुछ बेचना होता है सीधे सीधे स्वयं नहीं करते हैं, पशुओं को बेचने के लिए या पशुओं के उत्पादों को बेचने के लिए किसी सहारा नहीं, यानी किसी बिचौलिए के जरिए क्या करते हैं अपने पशुओं को बेचते हैं, कुछ खरीदना होता है तो उसके जरिए काम करते हैं।
इससे उनके मुनाफे में कटौती हो जाती है। यानी करेंगे जो पशु चरा रहे हैं अगर इनको कुछ खरीदना बेचना है तो स्वयं नहीं करते हैं, किसी बिचौलिए के जरिए किसी मीडिएटर के माध्यम से काम करते हैं। किसी बिचौलिए से जब करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हानि भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को पशुपालक सहयोग लेते हैं वह प्रायः पशुपालक समाज के लोग नहीं होते हैं। करके जिन लोगों से मदद मांगते हैं बाहर के लोग होते हैं वो पशुपालक समाज के लोग हैं नहीं। ऐसी स्थिति में पशुओं के व्यापार में पशुओं और उत्पादक के व्यापार में उचित लाभ नहीं मिल पाता है और पशुपालक स्वयं को उपेक्षित मानने लगता है। यानी कह रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं जो पशुओं को बेच रहे हैं पशुओं जो खरीद रहे हैं ये स्वयं नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं जो अन्य लोग होते हैं उनके माध्यम से पशुओं को बेच रहे हैं खरीद रहे हैं। जो व्यक्ति इनके पशुओं को बिकवा रहा है या खरीदवा रहा है उसको पशुओं के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है जानकारी नहीं है इसलिए इनको कई बार घाटे का भी सामना करना पड़ता है। यानी पशुओं को खरीदने बेचने में और वस्तुओं को खरीदने बेचने में भी इनको क्या कई बार चीज़ इनको महंगी मिल जाती है। कई बार इनको इनका पशु बेचना तो बहुत सस्ते में चला जाता है इनको लगता कि हमें में कमियाँ है लेकिन कह सकते हैं कि दूसरों पर इनकी निर्भरता अन्य दूसरे लोगों पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर है। भाई पशु खरीदना जानवर खरीदना इस पर निर्भर है और इससे इनके क्या कई बार घाटा भी इनको होता है लाभ भी नहीं इनको इतना नहीं मिल पा रहा। ये सारी क्या है जो पशुचारक हैं उनको इन प्रकार की क्या है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है नेक्स्ट हम बागवानी की बात करेंगे। अभी हमने पशु चारक की बात की जो पशुओं को चरा रहे हैं पशुओं को जो पाल रहे हैं उनके बारे में इस हमने डीपली में देखा। अब जो बागवानी का लोग काम कर रहे हैं भाई जो बाग बगीचे हैं जो बागवानी हो रही है बागवानी के काम में लगे लोगों का परिचय भी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लोग बागवानी कर रहे हैं। ठीक है तो बागवानी में देखो बागवानी खेती का एक प्रकार है। जो बागवानी है वह एक प्रकार की खेती का एक प्रकार है जिसमें लोग वनस्पति वृक्षों की खेती करते हैं। इसमें देखो बागवानी एक प्रकार की खेती होती है सही बात है ठीक है लेकिन इसमें क्या होती है वनस्पति और वृक्ष की खेती करते हैं जैसे सजावट के लिए या भोजन के लिए दवाई के लिए ये खेती की जाती है। जैसे फूल की खेती की जा रही है फल की खेती की जा रही है ठीक है दवाई के लिए खेती की जा रही है सजावट के लिए मैंने फूल उल के लिए बोला ये सारी बागवानी में आती है। ठीक है यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बाग लगाए जाते हैं जैसे भाई गुलाब के फूल का बाग लगा है गुड़हल का है ठीक है मान लो आम का बाग है ठीक है अमरूद का बाग है इस प्रकार की चीज़ें होती हैं इसलिए इसे बागवानी कहा जाता है। इसमें बाग होते हैं ना जैसे टमाटर का बाग है या कह सकते मैंने आम का बाग है अमरूद का बाग है सेब का बाग है बगीचा है ये कह सकते हैं कि जैसे गुड़हल के फूल का बगीचा है बगीचा फूल भी उसमें बेचे जाते हैं इसलिए इसको बागवानी बोला जाता है। बागवानी का व्यवसाय 18वीं शताब्दी में आरंभ होते हैं यानी जो बागवानी है कब शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी में बागवानी को शुरुआत की गई थी 18वीं शताब्दी से बागवानी शुरू है। यद्यपि बाग लगाने की प्रथा बहुत पुरानी है यानी जो बाग लगाने की प्रथा है वह बहुत पुरानी है लेकिन बागवानी की प्रथा जो थी 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। पशुपालकों ने विभिन्न वह समाज में पशु को चराते और पेड़ पौधे का रोपण में विश्वास रखते हैं जो इन्हें अतिरिक्त आए नहीं कह रहे हैं कि जो बागवानी है बागवानी वही लोग करते हैं जिन लोगों ने पशु रखा है जो लोग खेती करते थे करें जो लोग खेती करते थे जो लोग पशुओं को चराते थे जो लोग पशुओं को पालते थे वही लोग बागवानी करते थे और बागवानी को अतिरिक्त आया। जैसे मान लो तुम्हारे 10 बीघा खेत है तुम्हारे यहाँ पर गेहूँ चावल का उत्पादन किया जाता है लेकिन उसके साथ तुम्हारे अगर खेत है तुम भाई आम के बाग लगा दो अमरूद के पेड़ लगा दो तो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पैसे कमाने का एक जरिया है बागवानी हो सकता है वे अपना जीवन यापन निर्धारक पूर्वक कर सके यानी अच्छे से मौज मस्ती से जीवन काट सके। इसलिए यानी जो व्यक्ति खेती करता है जो लोग पशुओं को चराते थे उन्होंने किया कि भैया बागवानी का कार्य शुरू किया बागवानी से क्या होता है अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। जैसे खेती से तो कमा रहे हैं लेकिन अगर वो बागवानी थोड़ी सी कर लेंगे तो अतिरिक्त पैसे मिल जाएंगे यानी बागवानी अतिरिक्त इनकम कमाने का एक क्या बना इस साधन बना है। ठीक है अब हम बात करेंगे भारत में बागवानी कृषि कार्य से जुड़े समाज यानी भारत में जो बागवानी है उसके काम में कौन सा समाज जुड़ा है। ठीक है भाई किस समाज के लोग इसमें बागवानी करें देखो भारत में शिकार करने वाले भोजन इकट्ठा करने वाले समाजों के बाद बागवानी कृषि का यानी भारत में सबसे पहले शिकार करने वाला समाज आया जो जंगल में शिकार करता था जो भोजन इकट्ठा करता उसके बाद बागवानी कृषि के समाज आया वो क्या करता था बागवानी करता था। आदिकाल में बागवानी कृषि से जुड़े लोग तीन प्रकार के होते थे यानी बहुत पुराने समय से अतीत काल से अगर हम बात करें तो बागवानी से तीन प्रकार के लोग जुड़े थे। फल और सब्जियों को उगाना बागवानी तीन प्रकार की पहली
पार्ट कौन था भैया? ऐसे लोग जो फल और सब्जियों को उगाते थे। दूसरा सजाने वाले उत्पाद, सजाने वाले उत्पाद जैसे फूल उल होता है उत्पाद, जैसे फूल और फूल की खेती करना। भारत में विलियम केरी ने 19वीं शताब्दी में बागवानी कृषि की स्थापना की थी। यानी भारत में अगर हम बात करें तो विलियम केरी जो थे उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में क्या थी भैया? बागवानी की स्थापना की। परंतु अंग्रेजों के समय भारत में आने से पहले मुगल शासक बागवानी कृषि करवाते थे। भारत में अंग्रेजों में कह सकते हैं कि विलियम केरी ने बागवानी की शुरुआत की, लेकिन जो मुगल शासक थे, मुगलों अंग्रेजों से आने पहले यहाँ पर जो मुगल थे जैसे बादशाह हैं, जैसे अकबर हैं, औरंगजेब हैं, शाहजहाँ हैं, ये सारे लोग जो थे कह सकते हैं कि लोग बागवानी मुगल बादशाह करवाते थे। विलियम केरी ने भारत में बागवानी की कृषि को बढ़ावा दिया। जो विलियम केरी जो अंग्रेज था इसने क्या दिया, भारत में जो बागवानी कृषि थी इसने इसको बढ़ावा दिया। इससे बाजार में बागवानी कृषि के विभिन्न प्रकार शामिल हुए। भारत में बागवानी कृषि के चलन से पहले बाजार में बागवानी कृषि उत्पादों के, नहीं भारत में जब बागवानी कृषि शुरू हुई थी उससे पहले भारत में बागवानी कृषि के जो उत्पाद हैं जैसे भाई फूल है, फल है, जैसे आज शादीवादी होती ना गुलाब, गुलाब बहुत खरीद किया था, बहुत फूल होता है आज तो पता नहीं कितना फूल भाई मेरे मंदिरों में चढ़ता। अगर मैं बात करूँ जो लोग दाल की खेती, चावल की खेती और गेहूं की खेती करते हैं उससे ज़्यादा पैसे पता कौन कमाता है? जो फूल की खेती करते हैं, जो फल की खेती करते हैं। आज खेती में जो पैसा है अगर कह सकते हो बागवानी में पैसा ज़्यादा है। नॉर्मल खेती जो है जैसे हम बात करें जैसे गेहूं की खेती है, दाल की खेती है, गेहूं चावल की जो खेती है उससे ज़्यादा पैसा किसमें है? फूल की खेती में, फल की खेती में। जैसे गुलाब का फूल जो लगाता है गुलाब कितना महंगा बिकता आप समझ सकते हैं ना। और गुलाब हर महीने सिर्फ ये नहीं शादियों में ही गुलाब जाता, अरे पता नहीं कितना इस देश में मंदिर है, मंदिरों में पता नहीं कितना गुलाब बिकता है। हर दिन ऐसा तो शादी होती रहती है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है। यानी आज फूल की खेती करना, फल की खेती करना बहुत फायदेमंद है। यानी कह रहे हैं कि जब बागवानी भारत में शुरू हुई तो बाजार में बागवानी जो चीज़ें होती वो मिलती कमी थी उनकी, इसके इनके उपयुक्त बाजार में ही मुश्किल मिलते थे। बागवानी कृषि का आरंभ होने के बाद बाजार उत्पादों में आसानी से, भाई जब बागवानी होने लगी तो जैसे फल हैं, फूल हैं, मार्केट में आसानी से मिलने लग गए थे। ठीक है, धीरे धीरे भारत में बागवानी कृषि का व्यवसाय बहुत बढ़ा। अब भारत में अगर देखोगे धीरे धीरे बागवानी कृषि का व्यवसाय बहुत बढ़ गया है। इसके उत्पादों से होने वाली आमदनी का राष्ट्रीय, बागवानी जब से बढ़ी तो हमारी जो GDP है, जो नेशनल इनकम है, उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में बागवानी कृषि का व्यवसाय बहुत विकसित स्थिति में आ गया है। बागवानी कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें विविधता और क्षमता की वृद्धि, नहीं बागवानी बहुत विविधता है। बागवानी कृषि में जैसे फल की खेती हो रही है, सब्जियों की खेती है, मशरूम की है, मौसमी की है, यानी इस फूल की खेती है, इनके बाजार भाव बढ़ने की खुली संभावना। यानी ये जो बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं चीज़ें, ठीक है, ये बागवानी खेती। आज मैंने बोला ना जैसे भाई किसी के यहाँ शादी है, शादी में बहुत सारा फूल खरीद के आता है घर सजाने के लिए, गाड़ी सजाने के लिए और चीज़ों को सजाने के लिए, तो फूल की जो खेती करो बागवानी खेती है। जैसे आज हम फल खाते हैं, सेब है, अनार है, अंगूर है, आम है, केला है, चीकू है, जो जितने भी फल हैं ये जो खेती के जरिए सारी बागवानी है। और आप सब वैसे भी समझ सकते हो फूल की खेती, फल की खेती, वैसे भी मशरूम की खेती, काजू की खेती, किशमिश की खेती, इन सभी की जो खेती होती है बहुत महंगी है। अब बताओ चावल कितने रुपए मिल रहा है, गेहूँ कितने मिल रहा है, और हमारे देश में गुलाब का फूल और गुड़हल और गेंदा जो बिक रहे हैं, और फल कितने बिक रहा है आप वैसे भी समझ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि बागवानी जो खेती है इसमें लाभ बहुत ज़्यादा है। दूसरा बागवानी खेती वो लोग बहुत करते हैं कह सकते हो कि जो नॉर्मल खेती करते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला ना अतिरिक्त खेती में कह सकते बागवानी खेती ज़्यादा बढ़ी भारत में। ठीक है, सिंपल सी बात करें जिसके 10 बीघे खेत हैं, 5 बीघे 8 बीघे में चावल गेहूं उगा रहे हैं, 1-2 बीघे खेत रहता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बो लेते हैं, फूल फल ऐसे कुछ बो लेते हैं, उनको ज़्यादा बड़ा लाभ मिलता है। तो ऐसे बागवानी खेती बहुत बढ़ रही है और इसको इसके लोग आज जो आधुनिक खेती है, आधुनिक खेती में क्या हो रहा, आधुनिक खेती में बागवानी होती है। अरे बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आज के समय में, पाल रहे हैं या उसकी खेती कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, दुनिया भर की पशुपालन में ही अगर मछली पालन उनका पार्ट है, ठीक है, लेकिन में देखे तो बागवानी में जैसे मैंने बोला ना कि भाई मशरूम की खेती कर रहा, कोई किशमिश की खेती कर रहा, कोई काजू की खेती कर रहा, ठीक है, इस सारी खेतियां जो हो रही है ना, गुलाब मान लो गुलाब कितना महंगा बिक रहा है आज के समय में ना, तो वही बागवानी में पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, बागवानी खेती बहुत महंगी है, यह लाभ बहुत ज्यादा। बागवानी कृषि के कौन कौन से विभाग हैं भैया? जो बागवानी खेती होती है वो कौन कौन किस कौन से विभाग हैं? जैसे मेवे की खेती,
ठीक है भाई, जैसे मेवा है, काजू है, किशमिश है, जिसको हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आता है बागवानी खेती में, ठीक है, मेवे की खेती हो रही है। दूसरा काजू यानी डाइट फूड, जैसे मैंने फलों को कह सकते हो। दूसरा सब्जी का उत्पादन, जो सब्जी होती है भी बागवानी खेती में, जैसे आलू है, ठीक है, गाजर है, मूली है, मटर है, टमाटर है, ये सारा बागवानी खेती में आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला फल फूल की खेती, फल की खेती जो सारी, जैसे मेवे की खेती है या सेब की खेती। दूसरा सजावटी उत्पाद, सजावटी उत्पाद क्या है, फूल जो हैं, गुलाब है, गेंदा है, गुड़हल है, और भी बहुत सारे आप फूल समझ सकते हो। इतना तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आप सबके घर पे कभी देखा होगा तो ज़्यादा देखा होगा, इतना मैं कभी ध्यानवान तो देता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि जैसे बागवानी कृषि जो है उसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे मेवे की खेती है भाई, मेवे की खेती में और भी चीज़ है, ठीक है, मेवा ही थोड़ी है, काजू है, किशमिश है, छुहारे हैं, मुनक्के हैं, उनकी भी हो रही है। सब्जी में क्या है, अरे टमाटर है, केला, सॉरी टमाटर है, आलू है, ठीक है, अंगूर है, सॉरी और भी चीज़ें हैं, मिर्चा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी हो रही है, ठीक है। जिसे सजावटी उत्पाद में, अरे गेंदा, गुड़हल जो फूल हैं जितने होते हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी बागवानी जो खेती है उसमें कई पार्टों में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे मेवे की खेती हो रही है, ठीक है भाई, मेवे जैसे संतरे हैं, बेर हैं, ठीक है, सेब है, नाशपत्ती है, ये सब क्या है, इसमें थोड़ी फल की खेती हो रही है ना। दूसरा सब्जी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन जैसे टमाटर हैं, फलियां हैं, मकई है, या कह सकते हो सलाद जो बनाने में बहुत ज़्यादा इनका यूज हो रहा है, या जो सब्जी उत्पादन में जिनके हम सलाद। सजावटी उत्पाद की खेती में जैसे क्या होता है, जैसे भैया फूल की खेती बहुत ज़्यादा ना, गुलाब की है, गुड़हल की है, इसकी जो होती है ना, गुलाब गुलाब जो बिक रहे हैं, फूल जो बिक रहा है, गेंदा का फूल बिक रहा है, सूरजमुखी का बिक रहा है, चमेली, रातरानी, या जो भी फूल कह सकते हो कि उनके भी तो फूल बिक रहे हैं। तो यानी सजावटी उत्पादों की भी इसमें बहुत ज़्यादा बागवानी में खेती हो रही है, और पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7.8 आ गया है, ठीक है, तो 7.8 में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बताया गया, देखो, प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी कृषि, यानी जो आज जो बागवानी खेती है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग। भाई देखो, गेहूँ की खेती और चावल की खेती, ठीक है, ये नॉर्मल खेती है, ठीक है, लेकिन तुमको गुलाब लगाना है, गुड़हल लगाना है, गेंदा लगाना है, ठीक है, अंगूर बोना है, सेब बोना है, केला लगाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा तकनीक लगती है, ठीक है, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कमाई भी ज़्यादा है तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, इसको हमेशा देखना पड़ता है। अब गेहूं बो दिया कह सकते हो, गेहूं बो दिया, चावल लगा, धान लगा दिया, तो उसको उतनी रखवाली नहीं है, लेकिन अगर कह बागवानी खेती में रखवाली भी बहुत ज़्यादा है ना, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। तकनीकी की खेती है, इसमें पता नहीं कितनी तो दवाई छिड़कनी पड़ती है बागवानी खेती में, दुनिया भर के ऊपर से जाके छिड़क दो, ठीक है, यानी कह रहे हो बागवानी खेती में तकनीकी आधारित खेती है, हर चीज़ में इसमें दवाई है, दुनिया भर की पता नहीं कितनी दवाई इसमें फेंकी जाती हैं। तो वही चीज़ है ना, बागवानी खेती क्या है कि प्रौद्योगिकी इसमें बहुत ज़्यादा। पारंपरिक सरल बागवानी क्या होती है, देखो पहले इन्होंने बोला क्या भाई, पारंपरिक सरल बागवानी, देखिएगा, सरल बागवानी कृषि विभिन्न परंपरागत औद्योगिक ढंग से की जाती है, यानी जो सरल बागवानी क्या है, वो परंपरागत जो औद्योगिक ढंग से की जाती है, जिन्हें यांत्रिक, जैविक या रासायनिक प्रबंधन कहा जाता है। जैविक यानी भाई खाद वाद छिड़क दिया, रसायन वसायन दवाई वाई डाल दी, इसके जरिए जो बागवानी खेती की जा रही है। इसमें यांत्रिक विधि से होने वाली बागवानी कृषि परंपरागत ढंग से बागवानी का विशेष महत्व है। सरल बागवानी से जुड़े लोग उन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो पुरापाषाण काल के दौरान किए, नहीं जो साधारण बागवानी है, सरल बागवानी है, उसमें जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जिन औजारों का प्रयोग होता था, इन औजारों का प्रयोग करके अगर बागवानी की जा रही तो सरल या पारंपरिक बागवानी है, ठीक है। जैसे पत्थरों की बनी कुल्हाड़ियाँ जिनका इस्तेमाल जंगलों में लकड़ियों को काटने के लिए किया जाता था, फावड़े तथा नुकीले लड़ियाँ जिनके मक्का, गन्ना और अन्य बागवानी से जुड़े कृषि उत्पाद को बोने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे जब उन्हें पशुपालन अपना लिया तब बागवानी कृषि में हल जोतने का चलन शुरू हुआ। यही से कृषि का विस्तार हुआ और नई खेती का जरूरत को महसूस किया। नहीं कह सकते कि जो सरल बागवानी है उसमें कह सकते कि जो सामान्य सिंपल जो है बागवानी, इसको हमको बोलते हैं सरल बागवानी है, ठीक है। अब उसी में एक और बागवानी है जो इसमें आती है, क्या है, अग्रतवादी बागवानी क्या होती है, देखिएगा, अग्रवतावादी बागवानी कृषि में कृषि उत्पादों के लिए जटिल माध्यमों का इस्तेमाल करती है।
ठीक है, जो जटिल माध्यम होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, अनेक प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं, यानी जटिल माध्यम जो होते हैं अनेक प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं, फलों के उत्पादन की जटिलता की बीजें, यानी इसमें जो फलों का उत्पादन किया जाता है उनमें जैसे जो बीज हैं बीज कौन से होंगे, कीटनाशक हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक वाले जमीन तैयार की जाती है, ठीक है, या आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनका इस्तेमाल जैसे धन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के इस्तेमाल से फसलों के लिए जल्द से जल्द सरल ढंग से जमीन तैयार की जाती है, यानी जमीन को अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है, अग्रिम जो नई तकनीकी से जो की जा रही है, ठीक है, विकसित यंत्रों के जरिए इनमें बागवानी का रख रखाव है, बाजारों की उपलब्धता की जानकारी बागवानी के लिए गति मिलती है, और कृषि की बढ़ती मांग, क्योंकि बाजार में बागवानी की यानी आज के समय जो कृषि बागवानी है उसकी जो मांग है लगातार बढ़ रही है, इससे बागवानी कृषि में आने वाले नए नए उपकरण का इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, यानी आज के समय में कृषि बागवानी में बहुत ज़्यादा नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए उपकरण हैं जिनका प्रयोग है, खासकर ऐसे उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं और सरलतापूर्वक या सिंपल से तरीके से आज यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे करें कि जैसे काटने की मशीन है, मक्का है, गेहूं है, धान है, गन्ना है, कि मशीनें तथा अन्य कृषि उपयोगी यंत्रों का इस्तेमाल सजावटी बागवानी के लिए इस्तेमाल होने से कुछ नए उपकरण के चलन में आए हैं जिन्हें हाथ से भी चलाया जा सकता है, यानी कृषि बागवानी में जैसे जो उपकरण है हाथ से चलाए जा रहे हैं, बिजली से चलाए जा रहे हैं, यानी कह सकते जो नई बागवानी उसमें टेक्नोलॉजी और जो तकनीक है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, और इस तकनीकी के जरिए इस टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्रकार की बागवानी को किया जा रहा है, और ये बागवानी काफ़ी सफल भी हो रही है और इसे भी किया भी जा रहा है, ठीक है, उसी के बाद ये आप देखोगे यहाँ पर कुछ बोध प्रश्न आ गए हैं, ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर आप देखोगे 7.9 आ गया है, और 7.9 आने के बाद क्या हो गया, आपका ये जो चैप्टर है पूरा का समाप्त हो गया और पूरा ये एंड हो गया, तो 7 चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया, इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक मैंने करवा दिए थे, उसको भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा उसी वीडियो को, बाकी तो चैप्टर 7 हो गया है, कल मैं आपको जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 8 मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है।